सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहा, इतना होनहार अभिनेता बॉलीवुड की गंदी साजिश का की भेंट चढ़ गया। इस बात को लोग इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे और न उनकी मौत को पचा पा रहे, और ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि इतना होनहार, इतना संघर्षशील इंसान आत्महत्या कर ले, ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही। बॉलीवुड की गंदगी आप जानलेवा बन गई है। किसी का पुरस्कार छिन जाना, किसी की फिल्म छिन जाना, यहाँ तक लोग बिल्कुल चुप बैठे थे। शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि इन नेपोटिज्म माफिया एक इसी तरह के किसी होनहार और गैर फिल्मी परिवार के बच्चे की जान ना चले जाए, जब तक तब तक लोग चुप बैठे थे। लेकिन आज लोग खुल के सामने आ रहे हैं, काश पहले आ गए होते। शायद सुशांत सिंह राजपूत बच गया होता, वो आज दुनिया में होता, लोग उसके साथ होते। जब वो इतने समय से डिप्रेशन झेल रहा था, बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल यकीन नहीं होता कि और मीडिया क्या काम करता है। मीडिया को उसकी कोई सुध नहीं है। जिस इंसान ने 9 में से 6 फिल्में हिट दी है, उसकी सुध लेने की जरूरत मीडिया को नहीं पड़ती। दोस्त, दुनियादारी सिर्फ तुम्हारे काबिलियत के होते, बाकी कुछ किसी ने कासिम के दर्द को समझने की कोशिश की होती इतने बड़े बॉलीवुड में, कोई तो उनका दोस्त हो, शायद डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश किसी ने की होती, लेकिन किसी ने नहीं की। और अब लोगों को लोग सिर्फ रास्ता निकला, वक्त आ गया है मजबूती के साथ खड़ा होने का। नेपोटिज्म माफिया जो पूरी तरह से हावी है बॉलीवुड में, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, इसके खिलाफ बोलने का, नहीं तो फिर कोई और सुशांत सिंह राजपूत इसरा पे होगा। और हमारे पूर्वजों ने जो अंग्रेजों को खदेड़ दिया यहाँ से, मुगलों ने राज किया, हम इस बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने की हिम्मत नहीं रखते क्या? इनकी औकात कितनी है? 4 दिन इनके शोज देखना बंद करो, 4 दिन इनकी फिल्में देखना बंद कर दो, ये अपने आप लाइन पे होंगे। लेकिन इसके लिए ये जो बॉलीवुड पे नेपोटिज्म माफिया अपनी जड़ मजबूती के साथ बना चुका है, इनको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। अगर आपको और हमको सुशांत की मौत का सच में दिल से अफसोस है, हम सच में ढोंग नहीं कर रहे, तो हम अगर ढोंग नहीं कर रहे तो इनकी कोई औकात नहीं। ये अगर वहाँ पे हैं तो हमारी वजह से ही, हम इनकी फिल्में देखते हैं, इनकी सोच देखते हैं, ये हमारी वजह से ही वहाँ पे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने हर जगह बेइज्जत किया, हर जगह हमने देखा, हर स्टेज पे, हर जगह उसको बेइज्जत किया। इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना होनहार अभिनेता, फिर भी उसने बर्दाश्त किया, उसकी इतनी फिल्में छिन गई, एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवी जो उसकी झोली में आनी थी उससे छिन गई। कोई साथ देने वाला अगर ना हो तो तकलीफ तो होती है। हम जब शाहिद कपूर को जब कबीर सिंह के लिए बेस्ट अभिनेता का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नहीं मिला था तो हमें बहुत दुख हुआ था। उसके लिए भी हमने सोशल नेटवर्क साइट पे अपनी आवाज़ उठाई थी, अपनी तरह से कोशिश की थी। लेकिन वही शाहिद कपूर से तो सिर्फ एक पुरस्कार छीना, आज उस शाहिद कपूर को शर्म नहीं आ रही होगी कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी छिन। कबीर सिंह मूवी जो है पहले सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर हुई थी, एक बार नहीं कई जगह न्यूज में आ चुका है, कई जगह सोशल नेटवर्क साइट पे ये चीज़ें आ चुकी हैं। आज शाहिद कपूर को शर्म नहीं आ रही होगी, ये पुरस्कार कोई बात नहीं, अभी छिन गया कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा, ना मिले ना सही, उनके काम को तो लोगों ने दिल से सराहा है। लेकिन कबीर सिंह जैसी रामलीला जैसे जो मूवी जो रणबीर कपूर को जो जा चुकी है, अच्छी अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्में जो उनके हाथों से चली गई,
और उनके साथ उनकी तकलीफ को कोई बांटने वाला नहीं, तो इंसान यही करता रहता। जब वो इस सब डिप्रेशन को नहीं झेल पाया, कोई नहीं साथ देने वाला था, तो उन्होंने डिप्रेशन में आके इतना बड़ा कदम उठाया। तो एक अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, सच में अगर किसी को, सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं है, ये कल को अगर इसको नहीं रोका गया, ये बहुत बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। फिर ये हर दिन, हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में ये हर कोई सुशांत सिंह राजपूत किसी न किसी पंखे में लटका हुआ। बॉलीवुड इनके बाप का नहीं है, मैं हर बार एक ही बात कहूँगी, ये बॉलीवुड इनके बाप का नहीं है। नेपोटिज्म, माफिया, गुटबाजी, कैंपबाजी, किसी को तो आवाज उठानी थी, आज सब खुल के सामने आ रहे हैं। पहले आ गए होते इतने सारे लोग। एक बात तो वही है ना, हम लोग की एकता नहीं, एकजुटता होती, ये लोग मिलके अगर सामने आए होते, आज शायद सुशांत सिंह राजपूत बच भी गया होता, और इस बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म माफिया है काम पूरी तरह से हावी है, इसका सफाया हो चुका होता काफ़ी दिन पहले, और योगी लोग आगे आ रहे होते, यहाँ अनपढ़ बॉलीवुड पर राज नहीं कर रहे होते। ये वो अनपढ़ लोग हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोल के और हिंदी भाषा में अपना नाम और मुकाम हासिल करके, और फिर हमें हिंदी नहीं आती, फिर वो अंग्रेजी बोलते हैं। ये स्टार किड्स, ये फ्लॉप होते चले जाते हैं, फिर भी उनकी इनको एक के बाद एक फिल्म मिलती है। क्यों? सुशांत सिंह राजपूत की इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट वाले और इतनी बेहतरीन उनके अभिनय, उनके अभिनय से सजी हुई फिल्म, उनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता, उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। इसमें मीडिया का भी कम दोष नहीं है, मीडिया ने कभी उनकी फिल्मों को इतना हाइप दिया ही नहीं, इतनी इतना लिखा ही नहीं उनके बारे में। इसलिए यहाँ पे जरूरत है हम लोगों को सामने आने की है। आम लोग जो हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि गैर फिल्मी परिवार से जाके कोई भी इंसान अपना अपनी कला दिखा सकता है, वहाँ पे जा सकता है। बॉलीवुड इनके किसी के भी बाप का नहीं है, इनकी औकात ही कितने थूकते हैं कुत्तों के मुँह पे, जितनी इन्होंने उस इंसान के साथ बुरा किया। कितने लोग डिप्रेशन में बैठे हुए होंगे अभी जो काबिल हैं, सिर्फ इनकी इन जालसाजियों के अंदर फंस के रह गए, उनका करियर बर्बाद हो गया और वो इंसान अपनी जान दे के चला गया। तो इस तरह से अब ये बहुत हो गया, और मुझे लगता है अब आवाज़ उठाने का वक्त आ गया, और होगा इस बॉलीवुड से इस गंदगी का सफाया जरूर होगा। शुरुआत हो चुकी है, और उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिलेगी।